सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयिर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सबसाहूनं नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मोक्ष मार्ग स्वयंबलात् तो संभव है। मोक्ष मार्ग स्वयंबलात् निज बलात् द्वेन विजिता। मोक्ष मार्ग स्वयंबल बलात् बल के द्वारा, स्वयंबल के द्वारा तो सहज है, सरल है। सर्वज्ञ के बल से भी वो संभव नहीं है। हमारी जो समस्या है ना, संगठन हो क्यों नहीं पा रहा, वो ये है मूल। हमारे पास मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग की रुचि नहीं है। मोक्ष मार्ग शब्द सुनते से हमें एकदम याद आ जाता सम्यक दर्शन के आचार्य, वो नहीं कह रहे हम। समस्त दोषों से छूटने का मार्ग, मोह क्षय मार्ग। मोह भजन देके कह रहे हैं मोह क्षय मार्ग, उल्टा करो, मोह रक्षा का मार्ग तो संसार का मार्ग है। मोह रक्षा सोचना भैया, हम मोह की रक्षा कर रहे हैं या मोह का क्षय कर रहे हैं। धन है जो स्वरूप में बस के निज बलात् द्वैन विजिता। उत्तम है, उत्तम पुरुष है ये, उत्तम पुरुष महापुरुष लोकोत्तम पुरुष है ये, जो निज बल से स्वरूप में संतुष्ट होते हुए, निमग्न होते हुए अपने सारे दोष मिटा लेते हैं। मध्यम पुरुष वे हैं जो अपने दोषों का गुरु साक्षी में, आत्म साक्षी से प्रतिक्रमण करते हैं, दोष मिटाने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। इसकी थोड़ी चर्चा उठाने के लिए हम लाए। पहली शर्त है दोष मिटाना होगा तो ये हमारे जितने हम विकल्प कर रहे हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा। संगठन एक उद्देश्य के लिए होता है। यहाँ भोजन करने का संगठन नहीं है हमारे यहाँ, वो तो कहीं भी कर लेंगे। कपड़े का नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं, वो भी कहीं कर लेंगे। बताओ पूरे हिंदुस्तान में मोह क्षय के सहायक हेतु कहाँ कहाँ है, ढूंढो मोह। बताओ तुम, बता दो। मान पोषक के हेतु है, बहुत बढ़िया प्रवचन। अरे भाई क्या, अरे भाई क्या बहुत है। अभी तुम चले जाओ, थोड़ा निकल जाओ, तुमसे ही कहेंगे तुम भी अपना एक चैनल चालू कर लो।
झट खुश हो जाओगे। मोक्ष है मान क्षय करने है कि मान पोषण करना है, बोलो। व्रत उपवास करके मोक्ष क्षय करना है या मान पोषण करना है, अब ये तुम जानो भैया। यदि सचमुच हम दोष मिटाने आए हैं तो हमारा संगठन एक सेकंड में हो जाएगा, कोई रूपरेखा नहीं, ना तो हम कछु कहें, ना तुम कछु कहो, ना वे कछु कहें। समस्या ये है, हम मोह क्षय के लिए नहीं निकले हैं। क्या है वो क्षय के लिए ही बना हूं मैं निर्ग्रंथ, गुरु करना से मुक्ति प्राप्ति के लिए बना हूं मैं निर्ग्रंथ। फिर से पढ़ो। गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्ति के लिए बना हूं मैं निर्ग्रंथ। बस रुक जा, आवाज जी लाइन चेक करो है कि नहीं। गुरुओं की करुणा तो आके भी चली गई, हम नहीं समझ पाए। हम गुरु जी की महिमा करते रहेंगे, उस महिमा से कुछ नहीं होगा। उनकी करुणा तो तब काम आएगी जब, हाँ, काय के लिए मुक्ति प्राप्ति। मुक्ति माने विकारों से मुक्ति, मोह से मुक्ति, राग से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, संज्ञाओं से मुक्ति। या बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, सोचो। पता नहीं हमारे अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं भविष्य में इनकी तानाशाही तो नहीं होगी, भविष्य में भाई साहब ऐसा तो नहीं करेंगे। तुम कौन की रक्षा कर रहे, मोह की? सुनो, जिन्हें मोह का भाव करना है उन्हें विश्व में संगठित होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिन्हें मोह की रक्षा नहीं करना हो, मोह की रक्षा करना हो, उन्हें भगवान भी संगठित नहीं कर सकते। लिखा है, कुछ पढ़ के सुना देते हैं इसी के लिए, पोषण के लिए। सुदृष्टि तरंगिणी में अध्याय 24 पृष्ठ 295 गाथा 83। गुरु के समीप अपने दोस्त कहने में लज्जा नहीं करना चाहिए। लज्जा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। निर्लज होकर कह देना चाहिए ये भी नहीं कह रहे। निर्लज हो क्या, छुट्टी पाई, हमने कह तो दी थी अपनी गलती, आपको बता तो दी थी हमने अपने दोस्त, अकड़ो मत। पंडित साहब ने कई बार कहा है, प्रतिक्रमण सूचना मात्र नहीं है, प्रतिक्रमण सूचना नहीं है, प्रतिक्रमण चुगली नहीं है, प्रतिक्रमण प्रतीक्षा नहीं है। जल्दी जल्दी वे कहें तो हम भी कहेंगे, वे तो अपने दोस्त बता ही नहीं रहे, हम कहा भी बताएं। प्रतीक्षा नहीं है, दूसरे कैंसर मिटाएंगे क्यों राजेश, तो अपन कैंसर मिटवाएंगे भैया, भी मिटवाए ना मिटवाए तो बढ़िया डॉक्टर मिल गए, अपन तो अपनों के इलाज करा लें। चुगली नहीं है, जे भी ऐसी गलती कर रहे हैं हमने देखो तो, अरे उन्हें मोक्ष नहीं जाना, मत जाने दो, तुम्हें तो जाना है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण समझ गए, पहले अतिक्रमण समझ लो, नाव में छेद करना अतिक्रमण है, नाव में छेद करना अतिक्रमण है, पानी आने लगा अतिक्रमण है, नाव डूब जाएगी, तुम संसार सागर में डूब जाओगे। क्या कह रहे हैं, तुम संसार सागर में डूब जाओगे, सीधे बोल रहे हैं, डूब रहे हो, देख देख डूबे डूबे डूबे, जल्दी करो। दूसरे बताएं तो हम बताएं, क्या बताएं कि हमारी नाव में भी छेद है, वे तो बताएंगे, हम क्या बताएं, हम कहा बताएं हमारी नाव में छेद है, भरम नहीं पानी उनकी डूबे की, तो हम भी डूब जाएगी। अभी क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा नहीं है, बताओ। अतिक्रमण हो रहा है, पानी भर रहा है, नाव डूब रही है, तुम शांति से बैठे हो, चुगली नहीं है, शिकायत नहीं है, सूचना नहीं है। जैसे साधक के लिए रोगी की संज्ञा दी है जिनागम में, टोडोमल जी साहब ने भी दिया जगह जगह, रोगी साधक वैद्य को बताता है, निवेदन करता है अपने दोष विकार, काहे के लिए, मिटाने के लिए। क्या बता के फ्री हो जाता है, हमने तो क्या के छुट्टी हो गई। जब तक मेरा दोष ना मिट जाए, बारंबार कहता है, आपकी दवाई तो हमने ली थी लेकिन परिणाम तो नहीं निर्मल हुए,
अभी भी मोह हावी है, अभी भी राग हावी है, तो ऐसे जो भी कह अभी अभी बेविकार सताते कहते रहो, अब क्या तो चुके क्या कर रहे तुम, जब तक नाव में पानी भर रहे हो फिर कहा गया भाई तुमने कैसी रिपेयरिंग करी, साइकिल में पंचर हो जाता था सुधर पाते थे, फिर हवा भर गई सुधर के भी हवा भर गई फिर भी दृष्टि वही है, कहा भाई सुबह तो हवा भरवाई थी अभी कैसे खत्म हो गई, पंचर तो सुधरवा लो, कहा बात है कैसे गड़बड़ जाए अभी पंचर सुधरो नहीं है, फिर भरवा ली हवा सुबह तक फिर निकल गई, भाई ए भाई कैसे पंचर सुधारो, भैया हमने तो तुम्हारे सामने सुधारो, अरे सामने और पीछे की बात नहीं है, सुबह भरा था शाम को निकल जाता हवा, फिर देखो खोल के हमें नहीं मालूम, हमें ऐसी साइकिल सुधार के दो हवा ना निकले, हमें ऐसा मार्ग प्राप्त करना है जिसमें अतिक्रमण ना हो, हम अपने स्वभाव सीमा की मर्यादा से बाहर, शब्द तो बहुत सारे हैं निकले ही नहीं, बात सोचे नहीं बोले नहीं कहे नहीं कछु नहीं करें, शुद्ध उपयोग की चरम सीमा केवल ज्ञान होगा प्रतिक्रमण, ये अमृत कुंभ है, प्रतिक्रमण समझ गए, किंचित मात्र भी दोष नहीं होना, स्वयं कर लोगे दोष मिटा लोगे तो महापुरुष हो, मध्यम पुरुष श्री गुरु की साक्षी से आपने दोष कह कह करके मिटा ली थी, ध्यान से सुनना, श्री गुरु को दोष कह देने से दोष नहीं मिटते, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर प्रयोग करने पर स्वावलंबन लेने पर दोष मिटते, कई लोग ऐसे ब्रह्मचारी हैं हमने तो पंडित जी साहब को साफ साफ बता दी थी हमारी ऐसी ऐसी गलती है, हमें ऐसे विकार आते हैं, हमने ऐसी गलती कर दी, हमने ऐसी कर दी, हम तो बिल्कुल पंडित साहब से कह देते ट्रांसपेरेंट थे पंडित से, अरे लेकिन गुरु से कह देने से भी दोष नहीं मिटते, गुरु से कह दिया इतनी तुम में मंदगसा है पुरुषार्थ नहीं, गुरु को तुमने अपने दोस्त बता दिए ये मंदगसा है पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो तब है जिस तरह से गुरु ने उन दोषों को मिटाने की विधि बताई है, स्वसंवेदन की विधि बताई है, दोषों से अप्रभावी भिन्न देखने की विधि बताई है, दोषों का पक्ष और अहम छोड़ने की विधि बताई है, पूरी मेहनत करो कभी ना कभी मिट जाएंगे अनंत बसाए नहीं मिटेंगे, गुरुओं ने जो उपाय बताया उस पर ताकत दो, समझ में आ गया सबको, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण बहुत काम का पार्ट है, सब लोग ध्यान से सुनोगे तुम कोई नहीं सुन रहे उधर वहां बैठ के बिल्कुल नहीं सुन रहे, हम बहुत गहराई से इसलिए पढ़ा के देना चाह रही, ऐसा लगने चाहिए आग लग गई वो हमें पानी डाल दें, इधर है होती दूर क्यों बैठ है वो अंधी गर्मी, समझ में आया कुछ, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं, पहले सुदृष्टि तरंगणी का दूसरा पांच पे 25वां अध्याय है 312 नंबर की पेज होगा गाथा 92-93, बहुत अच्छा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ अभी तो बाँचनी समझ लीजिए इसे, सुदृष्टि तरंगणी की बाँचना गाथा बता रहे हैं, आप खोल के पढ़ो बिल्कुल पढ़ो भैया, मैं देखो तुम लोगों को लगता है मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ, मैं ऐसी स्वाध्याय करता हूँ जो बता रहा हूँ आप, मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है उसे सॉल्व करने के लिए चार ऑडियो खोल खोल के देखता है, मेरी स्वाध्याय ऐसे नहीं, मैं आद्योपांत एक ग्रंथ पूरा करें, ये तो हम तुम्हारी तरफ पहले कर चुके, आद्योपांत वर्ड टू वर्ड ग्रंथ पढ़े हमने, अनुशीलन बिल्कुल ऐसे पढ़ा है समयसार जी, अनुशीलन समयसार कलश टीका, ज्ञान सागर जी की टीका, जैसे नचार वाली सारी टीका एक साथ रख के पढ़ी हमने, एक गाथा में तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक सारी टीकाएं नहीं देगी, ऐसे पढ़ के गए हम लोग, इसलिए तो हमारी नकल मत मारो आज नहीं पढ़ रहे आज नहीं पढ़ रहे, हम अभी भी मेहनत करते हैं चारों योग से, गहराई से पढ़ो बेटे पढ़ो, क्या कह रहे हैं, तीन कसायों का उपचार विवेकी कर सकते हैं परंतु मायाचारी का उपचार विवेकी भी नहीं कर सकते, क्रोध का उपचार शांति से कर सकते हैं, क्षमा से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, उनके सामने दीन हो जाओ तो भी क्रोध शांत हो जाएगा, क्रोध का उपचार उनके सामने दीन बन जाओ सरलता से हो जाए, विनय कर लो क्षमा मांग लो चार बातें करोगे क्रोध शांत हो जाए, अभी एक होमवर्क लिख लो
तुम ये मत सोचो हम तो शांति से खड़े थे, क्रोध ही करा चले जा रहे थे, क्रोध ही करा चले जा रहे थे। रुक जाओ, क्या तुमने कभी पंडित साहब के सामने चारों प्रयोग किए थे? तुम अपने आप दीन हो गए थे, सरलता आ गई थी, विनय से खड़े हुए बैठे हुए थे, आंख टेढ़ी तो नहीं थी तुम्हारी, बोल नहीं पा रहे थे लेकिन आंखें टेढ़ी बोल रही थी कछु, और क्षमा मांगी थी। माता पिता तुम्हारे नाराज हो रहे हैं, चार पॉइंट करेगी नहीं करे, सासू नाराज हो रही थी, चार पॉइंट, क्या बढ़िया है। क्रोध का उपचार शांति से हो सकता है, क्षमा से हो सकता है, सरलता से हो सकता है, दीनता से हो सकता है। मानी का उपचार शांति से हो सकता है, विनय से हो सकता है। लोभी का धन से हो सकता है, यश से हो सकता है। लोभी व्यक्ति को यश कर दो, प्रशंसा कर दो, संतुष्ट हो जाएगा। धन दे दो, खाने पीने की चीज़ दे दो, संतुष्ट हो जाएगा। वस्तु देकर उपचार किया जा सकता है, परंतु मायाचारी तो ऊपर से नमन करता है। देखो इस पर जितना कहो तब बोलेंगे। मायाचारी तो ऊपर से नमन करता है और मुख से दीन वचन बोलता है। देखो मुख से दीन वचन बोलता है, ऊपर से नमन भी करता है, सेवक भी हो जाता है। देखो सेवा भी करता है। देखो कोई नहीं आओ, हम ही थे आखिरकार पंडित जी के पास, हमने ही सेवा करी, कोई नहीं आओ, ये सब बड़ी बड़ी बातें मारे वाले को नहीं आए, हम ही आते। सेवा भी करता है और क्या कहता है, बाद में अवसर आने पर दगा करता है। अवसर आने पर दगा करता है। इसका उपचार विवेकी भी नहीं कर पाते हैं, इसका फल क्रम से निगोद है। जो कि त्यों वर्ड लिखे इसमें मेरी मिलावट नहीं है, इसका फल क्रम से निगोद है। हम देखें तुम इस मिट्टी का टिप्पणी करो, खूब सोचो, हम भी कर, हम अपने लिए करें, हाँ हम भी जाना था, हम भी जाना, ये बड़ी मुसीबत है, हम भी जानते हैं ये कुछ नहीं करने, हम वही तो बहुत वही कठिन अर्थ है, वो एक घंटा बोलने पड़ेगा वो दगा, हम तो समझ रहे थे इसीलिए हम गई जी, मैं सोचो हम तो समझ गए, समझ नहीं गए दगा का मतलब सोचो। देखो आत्महित में दगा ही दगा है, मोह की रक्षा ही दगा है। गुरुओं को तो तुमने बता दिया हमें कोई विकार नहीं हो रहा, अब हमारा कोई परिणाम खराब नहीं हो, अब तो हम पक्के हैं, अब तो हम अच्छे से रह रहे, हमें कछु नहीं है, अब तो बहुत आनंद है। आप दगा कर रहे हो, धोखा छल, गुजराती में कहते हैं पोता ने क्षेत्रे छे, पोता ने क्षेत्रे छे, गुजराती बहुत अर्थ है इसका, दगा करता है, दगा करता माने उन्हें उन्हें भूल में रखता है, उन्हें भूल में रखता है, अरे वो बेगा भूलेंगे। पंडित साहब ने एक दिन भी, मैंने खूब अच्छे से देखा है, हम कितने भी समझदारी करके गए होंगे, बेवकूफ नहीं बते, बेवकूफ पकड़ लेते अपनी। मैं बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ हेतु, मतलब पंडित साहब के, आप कितने भी संभल के जाओ, मैं कहते खुद छल कर रहे, कौन है खुश कर रहे थे, ऐसा करे कौन है खुश कर रहे थे, कौन है खुश कर रहे, हम नहीं जानते द्रगुण पर्याय गुणस्थान प्रमाण कहाँ कहाँ कौन कौन सी संज्ञा है, कौन कौन से परिणाम है, झूठ बोलती हो। अपन पंडित साहब कई बार ऐसे चले, पंडित साहब ने आनंद तो उसकी बहुत गलती की, आपकी प्रार्थना की, ऐसा की, पंडित साहब चिढ़ जाते थे, काहे को तुम हमें खुश करने की कोशिश कर रहे, यही सचमुच तुम्हें लग रहा है कि तुमने प्रार्थना की है तो उसका फल क्या हुआ ये सोचो। एक सेकंड नहीं लगती थी इसको पकड़ने में, ऐसे खो यहाँ बेटा तुम्हें विनय आ गई, तुम्हें सरलता आ गई, नहीं खुश करने की कोशिश मत कर। पंडित साहब वहाँ विराजमान थे आंगन में, ठंड के दिन थे, सामने धूप थी, पंडित साहब वहाँ विराज हुए थे, मैं भोपाल से आया था नौकरी से, आए प्रणाम किया, पहली वहीं मिली सबसे पहले, मैंने आए सामने एक बात कही, पंडित साहब हमें तो दिन रात एक ही भाव लगा रहता है कि हमारे निमित्त से कहीं आपकी आपका अपयश ना हो, हमारी परिणति से हमारे मन वचन काय से आपका आपका अपयश ना हो, बदनामी नहीं हो। पंडित साहब ने एक सेकंड नहीं लगा, तत्काल कहा बेटा तुम्हारे विकारी परिणामों क्रियाओं से हमारा अपयश नहीं हो सकता, दो द्रव की स्वतंत्रता है,
लेकिन तुम्हारी विकारी परिणाम से तुम्हारा क्या होगा ये सोच। तुम जाए जैसे खा लोगे तो लोग तो ये समझेंगे पंडित जी खराब है, समझदार ऐसे नहीं समझेंगे। समझदार ये समझेंगे कि ऐसे महापुरुष के पास रह करके भी इन्हें कुछ नहीं सीखा। गुरु का पेश कैसे जाएगा? तुम गलती करो, तुम जहर खाओगे तो तुम मर जाओगे, गुरु का क्या हो जाएगा? कभी मत सोचो कि तुम्हारी गलत आचरण से मन वचन का ऐसे हमारा क्या होगा, और ना हम सोचते बोले इतने लोग आ रहे जा रहे, हम नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। उन्होंने कहा था बेटे लोग हमारा बुरा मान जाएंगे इसकी हमें चिंता नहीं है, हमें इस बात की चिंता है किसी का बुरा ना हो जाए। लोग बुरा मान जाए कोई बात नहीं, उनकी योग्यता है बुरा मान जाए, लोगों में बुराई का बहुत संप्रेषण हो जाए वो जान दे, बस हमें क्या फर्क पड़ रहा, हमारे आनंद में क्या फर्क पड़ रहा। उनकी योग्यता खराब है तो बुरा देखेंगे, हमारी तो एक ही रुचि है किसी का बुरा ना हो जाए। बोला इसलिए पंडित साहब को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम कितनी भी बनावटी करके पहुंच जाओ तुम धोखा नहीं दे पाओगे, और धोखा तुम ही खाओगे, इसका नाम है दगा। तुम्हारी नाव में पानी भर जाए, तुम्हारी नाव डूब जाए, दगा को भर जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दगा दे सकता नहीं, द्रव्या नहीं हो गया स्वतंत्रता ही। रंचक दगा, रंचक ये ब्रह्मचारी को त्यागी को मायाचारी नहीं जीत पाते, इसलिए कह रहे हैं ये बात। ऊपर से दीन बनता है, विनय करता है, सेवा भी करता है, लेकिन दगा करता है, अपने से दगा होता है। बाहर में कहो तो व्यवहार से कहो तो गुरु को दगा देता है, देश साथ गुरु को दगा देता है, करता कुछ है करता कुछ है। ठीक आगे चलो, अभी और पढ़ के सुनाता हूँ। इसका उपचार विवेकी भी नहीं कर पाते हैं, इसका फल क्रम से नहीं हो जाए। एक कलेक्शन है मैं पढ़ के सुनाता हूं। हे अबोध भव्य, एक पत्र है, हे अबोध भव्य, अबोध माने अज्ञान, है भव्य ब्रह्मचारी है त्यागी है, इस रूप में अपन मान लो, अपने अपने को ही रखना ना अपने को। हे अबोध भव्य श्री गुरु तेरा पारमार्थिक हित इच्छते है, श्री गुरु तेरा पारमार्थिक हित इच्छते हैं, तेरी सच्ची समझ गुरु आज्ञा में बर्तन को उत्सव बना देगी, तेरी सच्ची समझ, समझ काय की समझ, श्री गुरु तेरा पारमार्थिक हित इच्छते। भजन दे रहे हैं हम कछु, मैं तो कहूँ इसी लाइन पे खड़े रहे आप, श्री गुरु तेरा पारमार्थिक हित इच्छते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो विभ्रम में हैं, सरासर विभ्रम में है बिल्कुल। पंडित साहब बहुत बढ़िया मिलका है, हम गए तो उन्हें हमें हलवा खिलाओ, पंडित जी को इतना बात चल, उन्होंने फौरन कही भैया जी बहुत दिन में आए शास्त्री, भैया हलवा ना होता ना फटाफट पंडित अपने हाथ से दबा जी कि पारमार्थिक हित इच्छते। अब तो बाकी लोगों का लगे पता है हमें तो पंडित जी ने अपने हाथ से कबों कछु नहीं दा, और इन्हें पीड़ा दाओ तो एक भी जी बड़े आज पंडित जी साहब के हाथ से हमने पीड़ा खाओ, और हमारे राज कही थी बनियान से वाली, और हमसे कही बेटा जब सो जा, और हमसे कही थी जब मच्छर नहीं ले लियो जी 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 पारमार्थिक थे। मान लो इनमें से कुछ नहीं किया गुरु ने तो आप समझ गए हम क्या कह रहे, पारमार्थिक हित इच्छते हैं, तेरी सच्ची समझ गुरु आज्ञा में बर्तन को उत्सव बना देगी। मुर्झा क्यों रहे गुरु आज्ञा के पास, गुरु आज्ञा में रहने मुर्झा क्यों रहे? हे भगवान अब तो हम आनंद से रहेंगे भैया, कहीं चले जाएंगे, अपन तो रोटी खाएंगे पाठ करेंगे अपने परिणाम संवारेंगे भैया, कहीं चले जाएंगे। ये गुरु आज्ञा में मृत्यु है, बर्तन में उत्सव नहीं है, गुरु आज्ञा में बर्तन तेरा उत्सव नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे सील बांध नारी
सीलवान होगी तो काहू कहेगी, फिर भी क्या है दृष्टान्त। कोई नारी कोई पत्नी पति के वियोग में खुशियां मनाए, चलो टंटो काटो, अब मोज आराम से श्रृंगार करो, खाओ पियो, अपने सो, पैसा खूब है ही, आनंद से बाजार में जाओ, खूब घूमो फिरो, ये कुशील का लक्षण है, ये सील का लक्षण है। पति की मर्यादा में रहना स्त्री का सील है, गुरु की मर्यादा में रहना शिष्य का सील है, उत्सव है। जैसे पति घर में आता है तो पत्नी खुश हो जाती है, बनाने में रसान आ जाता है, खिलाने में रसान आ जाता है, कपड़े संभालने में रसान आ जाता है, श्रृंगार में रस आ जाता है, उत्सव हो गया। पति आए, ओ आ गए, कहा बना ले, जो खा ले, उत्सव कहाँ गया। प्लान कितनी सुंदर बात, अपना उत्सव हो रहा है कि नहीं, गुरु आज्ञा में उत्सव हो रहा है कि नहीं, गुरु आज्ञा में उत्सव। अब शब्द तो आज्ञा भी समझाने पड़ेगी, गुरु आज्ञा भी समझानी पड़ेगी, नहीं पहले नंबर पर पहले पहला ट्रैक क्या लिखा था, श्री गुरु तेरा, मुझे ये लाइन बहुत रहती। अब अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हम, जब भी किसी ने पंडित साहब के बारे में कुछ भी कहा, कुछ भी, तो मेरा एक यही वाक्य होता था, उन्होंने हमें भगवान बना दिया। और एक थप्पड़ मार दो तो क्या हुआ, क्या तुम एक थप्पड़ मारे को 1 किलो सोना दिए तो क्या करोगे अनुभव। ए प्रवीण गंदी बात, जाओ से दो क्या बैठ जाओ, धर्म की कुछ बात नहीं, ये तो बढ़िया पाठ सही में तुम लोगों के लिए तो पढ़ा ही रहे हम, जाओ ना कब दिक्कत, सिर दो क्या दौड़ के क्या आवाज, तुम्हें 1 किलो सोना दे और 2 गालियां दे दें तो गाली याद करोगे कि सोना ले हुए? उस सब से सोना ले लो। सही बताएं हमें उनका उपकार ही नहीं समझ में आया, बहुत खींचाते हैं, बहुत डांट देते हैं, कब हमारा भी तो दिल टूट जाता, हम भी तो कमजोर प्राणी हैं, अब हम भी तो कछुए गरीब घर से पहले ही आए थे, अब क्या बताएं, कहीं कछुए हैं नहीं थे, आए थे इतो करते हम इतो करते तो अभी अरे ये शोक सभा है तेरे चेहरे पर, उस सब नहीं क्या, कोई तुम्हें हीरे दे, हीरे माणी मोती दे, सोचो तो रत्नत्र दे। मैंने कहा था कल परसों पंडित साहब ने हमसे ही पूछा, तुम्हें भी लगता तो होगा, भले ही नहीं कह रहे, लगता तो होगा, हम ही पंडित साहब आपके चरणों की साक्षी से कह रहे, जब आपने हमें औदिक भाव से भिन्न पारिणामिक दिखाया है तो हम क्या ऐसे कृतज्ञ होंगे कि आपको आपके औदिक भाव से भिन्न देख पाएंगे। हमें भी पता है आपको बात की तकलीफ है, आपको शरीर की पीड़ा है, आपको छोटी उम्र में माँ का वियोग हो गया था, क्या से आपने पढ़ाई की है, अपनी रोटी बना बना खाई उससे पेट खराब हुआ था, कोई बताने वाला नहीं था दाल कैसे बनती, क्या होता है फला क्या होता है कि, अब जैसे अपन करते हैं ज़्यादा दाल बन गई खा ली, छोटी उम्र भूख भी लगती है खा भी ली, सब्जियां ज़्यादा मात्रा में नहीं खाई, अनाज ज़्यादा मात्रा में खा लिया, बिगड़ता चला गया पित्त, सही उपचार नहीं मिल पाया। माता का होना इससे पता लगता है घर में माता का होना कितना उपकारी होता है, हमें क्या पता नहीं, आपने इतने संकट झेल करके भी हम लोगों पर कितनी करुणा बरसाई है, हमने एक दिन भी सहयोग नहीं किया इस समायन के लिए, एक पैसा का निर्माण का अनुमोदना तक का, और फिर भी महाभाग से इतना आपने कर दिया, हम तो जन्म जन्मांतर में भी आपके चरणों की धूल का ऋण नहीं उतार पाएंगे। हमने कहा बोले जब तुम इतना सो जाता तो आत का नहीं, मैं पंडित साहब मैं हर बार कहता हूँ कि आप तो देखे तो आज के बाद जाना नहीं है, हम क्यों कह दें, हम क्यों कह दें, यदि तुम्हें लगता है तो तुम रहो, ऐसे बस बनाओ बना तो रहोगे। मैं जब भी आया हूँ फौरन भिंड वाले आ गए, मोह वाले आ गए, जसवंत नगर वाले आ गए, रहने ही नहीं देते, मैं 2-3 बार पूरी कोशिश की सब सामान लेके आ गए, जिस सामने वाले कमरा में अलमारी में रखो सारा सामान, आ गए हम 2-3 बार। भोपाल में नौकरी छोड़ी थी उस समय कोई नहीं था, मैं और पंडित साहब, अब किस्मत देखो हमारी खराब, हमने पंडित साहब का हम तो आ गए, ये आ गए कोई बात नहीं बढ़िया, लेकिन व्यवस्था तो कुछ है नहीं उसमें, जी कुछ भी नहीं था, जेब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था,
ऊपर कमरा तक नहीं थी तुम्हारी, इधर की ऊपर कमरा भी नहीं थी, ऐसे ऊपर छत जैसी थी इधर, वहीं बैठे थे। तो बोले बेटा समाज छोटी है, व्यवस्था नहीं है कुछ, मैं मत मान दिया, हम तो अपनी रोटी बना के खा लेंगे, हमारे पास गैस चूल्हा बर्तन है, माँ बना रहे थे यहाँ बना के खा लेंगे। बोले नहीं बेटे, समाज की इज्जत का भी कोई बात है। सब लोग कहेंगे क्या एक ब्रह्मचारी को समाज रोटी नहीं खिला पाई, मैं फिर हम कैसे रहेंगे बताओ। बेटा तुम दूध लेवे जाओगे नहीं, समाज वाले दूध लाएंगे, बे पानी लाएंगे, तो फिर रोटी नहीं खुआ देंगे तुम्हें। मैं इज्जत की सोची उन्होंने, बोले व्यवस्था नहीं। सच्ची घटना है 96 की। तो हमने अब कहाँ करें पंडित जी आप बताओ। फिर हम यहाँ से बीना गए नौगांव में, नौगांव में अकेले रहे हम, जे भैया थे राकेश अपने प्रवीण प्रवीण, हम तीन लोग, दो लोग हम बाहर बनाते खाते थे, मंदिर पूजा पाठ करते, स्वाध्याय करते थे, रहते थे 2 महीने रहे। फिर हमें खनिया दाने वाले वाले, मैंने एक तरीका बता रहे, योग ही नहीं था, दुर्भाग्य था हमारा, क्या कर सकते बेटा। लेकिन हम उनकी कमी नहीं मान सकते, उनमें कमी देखना मैंने अपना अनंत पाप बन। आप मेरे से पूछ लो, मैं पूरा एनालिसिस बता दूंगा, उनका इतना सा भी दोष नहीं था, इतना सा भी, रियल कह रहा हूँ। ये हमारा मिथ्या, हम चाह रहे हमारे अनुसार न्याय आ जाए। हमने इनकी शिकायत कर दी 5 बार और पंडित साहब ने हमारे अनुसार न्याय नहीं दो। और कोई बात मैंने हमें क्या लगता हमारे अनुसार न्याय आ जाए, लिख लो भैया तुम्हारे अनुसार न्याय नहीं आएगा, भवितव्य के अनुसार न्याय आएगा, लिख लो। सुख शांति से रहना हो तो हर लड़का ये चाहता है, हर भाई बहन ये सोचते हैं, हम जैसी सोच रहे जो सही है और पंडित साहब से यही कहने चाहिए बस। मैंने इसके लिए अपनी डायरी में लिखा था, मैं भी इन्हीं बातों से निकला हूँ, काम नहीं होगा चलेगा, काम कम होगा चलेगा, लेकिन विपरीत नहीं होना चाहिए। यहाँ के मामले में भी यही सोच रहे, काम नहीं होगा उतनी टेंशन की चीज़ नहीं है, काम कम होना हो तो कम हो जाएगा, लेकिन विपरीत नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं होना। कितने सुख शांति के मंत्र बोलो। तो पारमार्थिक हित बहुत बड़ी बात है, दगाकार से सोचना, तेरी सच्ची समझ गुरु आज्ञा के गुरु आज्ञा में बर्तन को उत्सव बना देगी। सुन लो भैया बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत ही अच्छा पत्र है, प्रत्येक ताड़ना मोह को मिलती है तुझे नहीं, प्रत्येक ताड़ना तुझे नहीं मिलती, मोह को मिलती है। ऐसा जान करके मोह नाश का अवसर शीघ्र आ गया मेरा, खुश हो जा, खुश हो जा। और कहां हुआ, हमने एक चित्र बनाया वर्ल्ड कंपटीशन के लिए और हमारे गुरुजी आए, क्या करो जो खुश हो गए, अच्छा रहा कमी आपने पकड़ ली, वर्ल्ड कंपटीशन में पास कैसे होता है, बढ़िया खुश हो गए, चल बैठ ली, बताओ गुरुजी क्या ऐसे, और वर्ल्ड में टॉप कर गया। गुरु ताड़ना को जिसने वेद विज्ञान पूर्वक उत्सव बना दिया उसका मोक्ष पक्का, खुश हो जाए मोक्ष पक्का। गुरु ताड़ना को उत्सव बना दो, हाँ भाई हमें डांट पड़ जाए, भी नहीं बात डांट पड़ जाए, करके वही मुश्किल है, कर वही मुश्किल है, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं करो, पहले भेद विज्ञान करो, क्या करें, गुरुओं की ताड़ना मोहे पर चोट है, मेरे ऊपर चोट नहीं है। अपन पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, वो कीजिए क्या, वो घड़े की तरह हाथ देते हैं और ऐसे ऐसे करते क्या लेती हो माँ, और देख प्रैक्टिकल करने में क्या तकलीफ, हमें डांट पड़ गई, तुझे कहाँ डांट पड़ी, मोए को डांट पड़ी, लिखो हमारा क्या होगा, अरे तू तो भगवान है तेरा क्या होना है, ये पूछ मोए का क्या होगा, राग का क्या होगा, द्वेष का क्या होगा, विकारों का क्या होगा, उनका प्रलय होगा, खुश हो गया खुश। सही समय पर गुरु मिल गए, अरे मजा आ गया, सही समय पर डॉक्टर आ गया, उसने चेक कर लिया, अरे तुम्हें कैंसर है, पहली स्टेज का, और ही मजा आ गया, निपट गया, पहले ही झटके निपट गया, और ही गजब हो गया, यहाँ तो मैं डर हो लगा,
लो पंडित जी ने हमारे मन की पकड़ ली, हमारी खावी पीवे की पकड़ ली, जो भी चार संज्ञा। जब देखो हमें कहते अहंकारी हो तुम, अहंकारी हो, अरे तो भैया उनसे ही कह रहे हैं जिनसे उम्मीद है कि तुम मिटा लोगे, इनसे कहते नहीं किए तो नहीं मिटा सका, जैसे नहीं किए। जिनके बहुत अधिक भाव शेष होते हैं उन्हें गुरु ताड़ना नहीं देते, जिनके अल्पकाल में मोक्ष होना होता है गुरु उन्हें ताड़ना देकर उबारते हैं। क्यों? ऑर्डनरी पत्थर को तो खरात पे नहीं चढ़ाते, ऑर्डनरी कांच को तो खरात पे नहीं चढ़ाते, खरात समझते बताओ, जिसमें हीरे की तरह चमकने की ताकत होती उसे चढ़ाते हैं। हम बोलो गुरु ताड़ना किसे देते हैं, टोकना किसे देते हैं, जिसे अल्पकाल में भगवान बनना। अरे जो मुझे टाक रहा, मुझे टोक रहे हैं, मेरा तो मोक्ष हो गया, ले देख मेरा मोक्ष हो गया। कितना सुंदर पाठ है, देखो तो आगे। प्रत्येक ताड़ना मोह को मिलती है तुझे नहीं, ऐसा जानकर मोह नाश का अवसर शीघ्र आ गया। मेरा अविष्ट अविष्ट फलित होने का अवसर दिखेगा तो रोमांचित हो उठेगा। अनुशासन में तुझे स्वतंत्रता भासेगी, अनुशासन में आज हम इतना सोचने का पड़ रहे, अब हम रहे कि नहीं, सुमत प्रकाश जी रहे कि नहीं रहे, इनके अनुशासन में कैसे रहेंगे, जे तो हमें लैपटॉप नहीं चलान देंगे, जे तो महिलाओं से बातें नहीं करन देंगे, वो जी अभी अलमना कर देंगे, मावा मत खाओ, भले ही पेट खराब हो जाए मावा खावे की मना कर देंगे, इन्हें कछु खाओ, अपने अपने वालों को करेंगे जी तो अपने हमें काम तो पर आए। यही भगवान इतनी बात सोची खाएगी तुमने, जय मुँह रक्षा बोल दू, 99% का सोच रहे बोलू, अपन बोलो मत, न जिम्मेदारी लो न कछु करो, तेल देखो तेल की धार देखो, यदि अनुकूल हो गया तो अपन समझे, नहीं तो अपनी रोटी कहीं भी सेंगे। और पंडित साहब ने क्या बोली थी, अपनी रोटी पृथक सेकने की कोई व्यवस्था नहीं, अपना लोटा छानने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा प्रवचन किया था पंडित साहब ने, अपना लोटा छानने की कोई व्यवस्था नहीं, तुम धोखे में हो। और मैं कोई तुम पे एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपना ही मार्ग सही कर रहा हूँ, मैं समाधि के लिए कर संकल्पित हूँ, पूरे हिंदुस्तान की समाधि कराने के लिए प्रतिज्ञा है मेरी सबकी। मैंने आज सुबह ही कहा था, मुझे कभी टेंशन नहीं लग रही है यहाँ की कोई बात, मुझे तो ये लग रहा है कोई मुझसे कहा भाई साहब, अब पंडित साहब नहीं तो हम इस जलती हुए घर में से कौन बचाएगा, अब हमसे तुम पुकार करो तो हम कहेंगे जलो भैया, हम नहीं बचाएंगे, हम कैसे कह दें जलो, तुम हमसे कह दो भाई साहब अब आप ही हमें बचाओ, हम समुद्र में डूब रहे तो हमको मना कर देंगे, नहीं भैया हम तो मना नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर सही, कहा गए डॉक्टर नहीं कंपाउंडर से जितनी शक्ति होगी हम करेंगे उपाय, और क्या करेंगे, हम तुम्हें नहीं बचा रहे हैं वास्तव में, हम अपने आप को बचा रहे हैं, क्यों कि दूसरों के लोटा छानने में अपना लोटा छनता है। सच्ची कह रहे हैं ये बात करना नहीं हो कि मैं ब्रह्मचर्य में इसलिए इतना दृढ़ हूँ क्योंकि मैंने आज तक बच्चे को बच्चियों को सबको ब्रह्मचर्य के मार्ग में दृढ़ करने के लिए बहुत मेहनत की, कम से 2000 पेज लिखे होंगे मैंने, 2000 पेज ब्रह्मचर्य के ऊपर। मैं स्कूल कॉलेज जितनी जगह जाता हूँ, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मार्थी ब्राह्मी सुंदरी शाश्वत कहीं भी, चाहे बच्चियों का हो चाहे स्मारक हो चाहे कोटा हो, मेरे लेक्चर ब्रह्मचर्य के होते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं बेटा बचो, तो उन्हें बचाने के चक्कर में हम बचे। लोटा छानने की व्यवस्था नहीं है, हम तुम्हारे अनुव्रतों की रक्षा करेंगे तो हमारे अनुव्रतों की रक्षा होगी, लोटा अलग से छानने की कोई व्यवस्था नहीं। हम तो देखो खुल के आपको बता रहे हैं, चले आगे देखोगे। आहा अनुशासन में तुझे स्वतंत्रता भासेगी, बैठ जाओ हमें नहीं मालूम, पहले जब अनुशासन स्वतंत्रता लगता है कि परतंत्रता लगती है, अब इनके चक्कर में खा नहीं पाएंगे तो खाने की परतंत्रता तुम्हें मंजूर है, गुरुओं का अनुशासन स्वीकार नहीं, ये फिर इनके चक्कर में रहो तुम जा ही नहीं पाए यात्रा करवे, वो तीर्थ यात्रा पंच कल्याणक कितने कार्यक्रम हो तुम जा ही नहीं पाएंगे, फिर इतना ये तो मना कर देंगे मत जाओ बस, तुझे वो जाना स्वतंत्रता लगता है और हमें
यहाँ स्वतंत्रता लगती है, अंतर है, बहुत अंतर है। तुम्हें उन सबसे छूटना स्वतंत्रता लगती है कि परतंत्रता लगती है? एक गंदी भाषा बोलूं, गंदी भाषा, गर्राहट, गर्राहट खराब शब्द है क्यों? तुम्हें अपने घर की रोटी और मम्मी की कीमत आती है? खूब बनी बनाई रोटी खिलाती जाती गरम गरम, कहते नहीं गरम का है बता, जा बेटा जाके जा जाके आओ, कितने परतंत्र होते हो, खा के आओ, बीमारी के परतन, फिर डॉक्टरों के परतन, दवाइयों के परतन, पैसा के परतन। मैंने इस बच्चे से कहा, क्यों मम्मी पापा ऐसा प्यार करते हैं तुम्हें? माँ तो तुम्हें अभी हाल देख के लगता है हमें कोई मम्मी पापा प्यार नहीं, हम क्या हम कर रहे, फिर काबू कह रहे कि हम भग जा रहे, हमारे पास बच्चा छोटा था, हम छुट्टी पूरी हो गई चले जाए पढ़ गए चले जाए, फिर वहाँ रोगे डांट पड़ेगी, फला होगा, झगड़े होंगे, फला होगा, जरा सा खेलने की आज़ादी तो आज़ादी लग रही है, और हमारे पास आज़ादी नहीं लग रही। अभी कठिन परीक्षा है भैया, मोह मिटाने वाले को तो गुरुओं का अनुशासन स्वतंत्रता भाषित होगी। जिसको रोग सही करना हो उसे तो डॉक्टर अच्छा लगेगा, ए डॉक्टर को मत बताइए एक रसगुल्ला खा ले रहे हो, अब तुम बता ही दिए तो डायबिटीज पर मना ही कर देंगे, हम क्या करें, खा लेंगे तनक। मुझे मेरा ज्ञान कहता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन ये और इनके वो जो राग में वो मना करते, तो मैं इनकी बात मानता हूँ, मैं अपनी नहीं मानता, मैं जानता हूँ मुझे सही लग रही है चीज़ तो अभी नहीं लेता, क्यों क्यों मैं इनकी उपेक्षा करूँगा, छोटी छोटी बात हो इनकी छोटों की, अगली बार में ऐसा कर्म बंद हो जाएगा कि निर्यापक मेरा निर्यापन नहीं करना बंद कर देंगे, फिर ये और जासूसी करेंगे कहीं खा तो नहीं छिपके, ऐसा तो नहीं करें, नहीं बेटा तुमने कह दिया दूध नहीं माने नहीं, फला नहीं माने नहीं 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 ले, तुम इनसे कोतक नहीं करते इनसे, तुम कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, कौन दूध के बिना रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकता, कहाँ फर्क पड़ रहा, दूध की कचो में याद आ रही कर, दूध नहीं पियेंगे एक रोटी ज़्यादा खा लेंगे कहाँ फर्क पड़ेगा, घी खा लेंगे कहाँ फर्क पड़ेगा, नहीं तुम जो कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों एक बार विश्वास टूट जाएगा निर्यापक का, समाज जीवन के समय निर्यापन कौन करेगा हमारा, ऐसे निर्यापक की रक्षा करते हैं हम, अपनी नहीं खींचेंगे, आप सौंप दिया निर्यापक को, हम अपनी समाधि की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, चलें आगे देखो, मेहनत करो भाई पढ़ो, अनुशासन तुझे स्वतंत्रता लगती है कि परतंत्रता, फिर आगे नियम नियम संयम नियम नियम संयम रक्षक भाषेंगे। अभी शीतलाचार में मजा आता है, मोबाइल में झट देख लो और जय नहीं लग रहा हमने कोई पाप करो, शीतलाचार नहीं दो सेकंड देख ज्यादा नहीं पांच एक सेकंड देख ले, कहूँ कहूँ वहाँ तो आते गंदी पिक्चर, हम तो फिर थोड़ी देर देख के बंद कर दे, थोड़ी देर तुम्हें पता है कर्णानियोग बहुत खतरनाक है, तुमने नियम संयम की रक्षा करना का नाम क्या कह रहे हैं, नियम संयम रक्षक नहीं भाष रहे तुम्हें, शीतलाचार रक्षक भाष रहा है, अनादि की संज्ञाएं और कुटेब तो यही चाह रही, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, अकेले में रहने की तो आज्ञा आचार्य कुनकुन स्वामी ने नहीं दी, भगवती आराधना में नहीं दी, और हमने भी अकेले रह के देख लिया, मैं पंडित साहब ने कब से कहा है अकेले मत रहना, मैं 85 से 86 से अकेला नहीं हूँ, 86 से अकेला नहीं हूँ, मैं 10 लक्षण में भी किसी को साथ लेके गया, उमरेश वकील साहब ये जुड़ गए थे 86 में, 85 86 में जुड़ गए थे, तब से हम लोग साथ साथ रहे तीर्थ यात्रा में, अकेले नहीं रहे कभी, 90 में से प्रवीण आ गए तो प्रवीण आ रहे, विनोद गांधा वाले आ गए थे उनके संग रहे, जितने लोग हमारे घर आए रहे बना के खिलाते थे, ये नए नए बच्चों को काम नहीं आता था हमें भोजन बना बना के कराते थे, छोटे छोटे काम सिखाते गए, फिर धीरे धीरे झाड़ू करना, बर्तन मांजने में 2 हज़ार बैठ के बर्तन मांजते थे, आटा पीसना सब काम करते थे हम, लेकिन हमने भगाया नहीं किसी को, संग रहते थे पंडित साहब का, संग रहो अकेले मत रहो, तीर्थ यात्रा में आज तक अकेले नहीं गए हम, एक दिन जी हमें छोड़ गए थे, हम इंदौर गए जी और हम 2 ही जने थे, सो जी एंड टाइम पे कहने लगे भाई साहब हम तो यहीं रुक रहे पिताजी के पास,
अब हम अकेले बिल्कुल, बाद अकेले थे बिल्कुल, हमें अब क्या करें, ये तो रख गए, अब इनसे हम कह नहीं सकते, चलो पिताजी की मजबूरी थी इनकी। हमने वहाँ आए आश्रम में और प्रज्ञा चक्षु थे जो मोह में रहे फिर बाद में, हमने उनसे कही बाबा जी चलो खनिया दाना घुमा ले आए, कह लो चलो, हम उनको सामान समेट के लेके आ गए, अकेले नहीं आए उस दिन भी, हम अकेले नहीं आए, फिर रहे खनिया दाना रहे, फिर अमायन आ गए तो कहाँ मोह आ गए थे, ललितपुर चले गए थे एक बार, हमारा मतलब हम अकेले, सच कह रहे आज तक मैं अकेला नहीं रहा। अब मैं जानता हूँ मैं कितने फायदे में रहा हूँ अकेला नहीं रहने से, अकेले में कितने पापाचार हो, कैसे सो रहे कैसे बैठ रहे, कहाँ मोबाइल देख रहे, कहाँ जाने काका सोच रहे थे उल्टी सीधे, मेरा शत्रु भी एक आकी मत रहो, हम तो अपनी कह रहे हैं ना अकेले मत रहो बेटा मत रहो। मैंने तुम्हें सबको पता है खूब काम करा, कोई को काम नहीं आता था, एक बार हम 8-10 लोग पहुंच गए वहाँ, हमारी बुआ जी भी चली गई और 3-4 महिलाएं और चली गई उनके साथ, 4 भी हो गए, हम और जी रवि और एक बच्चा और था वो तुम्हारे संग पढ़ गया था जो विवेक, विवेक अभी 8-9 लोग हो गए और वहाँ गए। अब हम तो सच सोच रहे चलो भोजन बनाने की तो निश्चिंता हो गई, 4 महिलाएं जा रही थी भोजन बनाने की, अपन बने और प्रवचन करेंगे चर्चा करेंगे पाठ करेंगे, ये भैया तो उल्टो होगा, सब ऊपर 5 बजे बंदा कर भी गई, 11 बजे 11:30 12 बजे लौटे, बोले बेटा हम तो थक गए सब, सो सब महिलाएं तो सो गई, जो बढ़िया और फिर हम भी 11:30 11 पे आए, फिर पानी छाना उधर से सब बाहर, अब जिससे कहें वो कह रहा हम थके पानी भर भी कोई नहीं जा रहा, हम चिल्लाए रवि पे विवेक पे क्या कर रहे, पानी नहीं भरे तो रोटी कैसे बनेगी, तुम भर के तो ले आ फिर लेट जाएगी, हम बनाते हैं, रियल कह रहा हूँ। जैसे पानी आया हमने सबकी रसोई बनाई 8 लोगों की, सब करो धारो सब खिला के 1:30 बजे हमने खाई, फिर हमारी बुआ जी हंसने लगी अब प्रवचन कब सुनाओगे, जो बढ़ जा रहा एक तो कभी हम नहीं थके कैसे, हम भी तो पर्वत पे गए थे, हमने भी तो रसोई बनाई, हम थक नहीं गए, हाँ सच्ची घटना है, हम नहीं सुना रहे हैं। मानी घटना कैसी भी घटना घटी लेकिन तिरस्कार नहीं, नहीं मैं जानता हूँ मेरी कितनी रक्षा हुई, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये पंडित साहब की एक एक सूक्ति समझ लो, चाहे उनकी एक इशारा समझ लो, उसका पालन का फल है कि आज हम बच गए, हम बच गए बहुत पापों से बच गए, हम क्या बता दें। तुम्हें नहीं लगता महिलाओं से बात करना कुछ रात को भी रात को कुछ मतलब, गर्मी के दिन है चड्डी में घूम रहे महिलाओं से बात कर, अगर कोई की आवाज़ पहुंच रही कहाँ कर रही हो और चड्डी में घूम रहे गर्मी के दिन, हद तुम्हारे, तो नियम संयम रक्षक नहीं भाषित होते, वैसे शीतलाचार रक्षक भाषित होता है, काहे के लिए महिलाओं से बात कर रहे, रोटी बना खिला दी उस गाँव में जाएंगे, जब चूल्हे में गई ऐसी रोटी, हम भूखे मर वो मंजूर है, हम नियम में शीतलाचार नहीं करें। आज दिन तक है कोई बच्ची हमारे कमरे में नहीं आएगी, हट जा हट जा हट जा हट जा भग जा, काहे भग जा तुम हट जा ना, महिलाएं डरती हैं अपने आप ही डरती हैं, मैंने आज तक कोई से डराया नहीं किसी को, हम देखते ही नहीं है, मिला आँख ही नहीं मिलाती, बात ही नहीं करते, हम बहुत छोटे थे तो 18-19 साल की थी, टीकमगढ़ गए थे पहली बार, उन्हीं की कृपा से फिर अजय पंडित साहब मिले थे हमें करहल में, यदि हम शायद टीकमगढ़ उस दिन नहीं जाते, हमारी एक फुफेरी बहन वहाँ रहती थी वहाँ पे मतलब जता रहा है, सो उनसे मिलने गए थे, उनकी सासू जल गई थी, सास जल गई थी तो देखने गए थे, लौटते में हमारा विचार तो पप्पू राग दर्शन नहीं करे दर्शन कर लें, तो हमने पूछा कहाँ रुकें कहाँ करें मंदिर कुछ, तो वहाँ धर्मशाला ही नहीं मिल रुकने की, धर्मशाला भी ये व्यवस्था नहीं, सो शाम को जल्दी आ गए 6-7 बजे तो प्रवचन बैठ गए, वहाँ सुरेश जी पेपर वगैरह बैठे थे, सो चर्चा भाई तो कैसी बात की आई हमसे भी, तो फिर पकड़ गए कौन है परदेस के, प्रवचन के बाद सुरेश जी बोले कहाँ से आए कहाँ से कहा, हम ये पेपर आगे दर्शन करने जी पप्पू वाला जी धर्मशाला में कैसी व्यवस्था, ऐसा घर चला ऐसे, वो कहाँ से कहाँ योग बैठ गए, लेकिन उस दिन भी आज तक कोई बैन नहीं कह सकती, उस उम्र में भी उनके घर में कोई जेंट्स नहीं थे, एक ही जेंट्स थे और लेडीज और बच्ची ही बच्चियाँ थी, एक सेकंड में हमने नजर नहीं लाई होगी किसी, उस दिन भी
राइट। और एक घंटा रुकने तो तीन दिन रोको बाटे, खूब चर्चा वार्ता करी, कमियां हमारी सब पकड़ रहे थे मान, लेकिन कह नहीं रह पा रहे थे कि वो सहेली तो थी। बाद में पंडित साहब से मिलने के बाद हमके कहा तुमने बताई नहीं हम लोगों कि हमारी गलती हो रही है, हम पूरा ध्रुव स्वभाव समझा के पर्याय में जोर दे देते थे उस समय, वही करने करने पे पर्याय पे जोर दे देते, पता ही नहीं। बोले अब आपसे कैसे कह दे, इसलिए पंडित साहब से मिलवा दिया, यहीं से मिलना हो गया पंडित साहब से हमारा। अब जी साधर्मी का उपकार ऐसे हो जाता है मिलना जुलना, लेकिन हम तो आज भी कह रहे पूछ लो कहीं नज़र नहीं मिलाई। उस समय भी 18-19 की उम्र खतरनाक हो जबकि चंचलता नहीं, बातचीत नहीं, हास परिहास नहीं, बिल्कुल नहीं, नियम ही रक्षक हैं। चलो टाइम हो गया है ना, कितना गरिष्ठ पाठ है ये। 20 विषय सेवन नीरस लगेगा तो वहां प्रवर्तेगा भी, विषय सेवन नीरस लगेगा तू वहां प्रवर्तेगा भी, परंतु तेरी अंतर खोज तुझे अटकने भटकने नहीं देगी। नीरस वहां से धोने लगेगा, खाओगे तो रोटी लेकिन ना अटकोगे ना भटकोगे, व्यापार भी करोगे ना अटकोगे ना भटकोगे, नीरस लग रहा है क्यों, मोह क्षय की भावना है तेरी। एकांत व मौन तुझे मुक्ति का सा आनंद देंगे, एकांत व मौन तुझे मुक्ति का सा आनंद देंगे, क्योंकि पृथ्वी पर यह ध्यान रूपी मोक्ष के सबसे नजदीक है, क्योंकि ये ध्यान मोक्ष के सबसे नजदीक है। अब पढ़ लेना इसको, इसीलिए इसकी वाचना कराना चाह रहे थे, है ना। ओम नमः शिवाय। चलिए।